हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो पेपर है नीट 2021। उसके हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन है उसके हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशंस में देने वाला हूँ आप लोगों को। इसमें यहाँ पे देखना है कि ऑर्गेनिक का क्वेश्चन काफी आसान सा था, हम मेनली ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को अभी डील करने वाले हैं। यहाँ पे देखते हैं, हम लोग काफी आसान सा पार्ट होता है, हम लोग समझ लेते हैं इसको। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके, इसमें एक मिनट क्वेश्चन नीचे लेता हूँ। यहाँ पे काफी आसान सा क्वेश्चन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर वन की बात करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर वन एंड टू। क्वेश्चन नंबर वन में बोला जा रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द आईपीएसएन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। इसमें कि एसीटोन दिया हुआ है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जितना स्पेस दिया गया इतना ही मैं करना रहा था, इसलिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोगों को जितना स्पेस है उसी में एक्सपेंड करो यहाँ पे। और मेनली हम लोग ऑर्गेनिक के जितने क्वेश्चन हैं, 18 क्वेश्चन हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उसको मैं डिस्कस करने वाला यहाँ पे। सबसे पहले एसीटोन की बात करूँ मैं यहाँ पे, ये क्या रहा है इसमें CH3। अब देखो कॉमन नेम ये चीजें याद रखना पड़ेगा तुम्हें, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ग्रिगनार्ड C2H ग्रिगनार्ड एजेंट। यहाँ पे क्या है C2H5MgBr, दैट मींस यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों CH3CH2- और MgBr+। तो यहाँ पे जो अपने काम का मिल रहा है CH3CH2- यही आकर के इस कार्बन पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जैसे अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ मैं इधर दिखा देता हूँ बच्चों, यहाँ पे है CH3 C डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो गया, पाई बॉन्ड ओपन हो चुका है, तो O- CH3 और नीचे क्या रहेगा इसमें CH2 CH3, इस टाइप से आ जाना है। अब ये जो O- बना यहाँ पे, नीचे क्या दिया हुआ बच्चों H2 H+, ये H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा ये CH3 C OH, O- H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये क्या फॉर्म हो जाता है OH CH3 CH2 CH3। ये तो हमारा प्रोडक्ट है, उसका ऑर्गेनिक IUPAC नेम पूछा गया इसका। इसका IUPAC नेम की बात करूँ तो इसमें नंबरिंग जो स्टार्ट करते हैं कार्बन चेन 4 कार्बन का 1 2 3 4, इसका नेम क्या जाता है बच्चों सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इसका नेम क्या जाता 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, ये इसका नेम आ जाता बच्चों यहाँ पे 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। तो ऑप्शन चेक कीजिए आप लोग, 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, दैट मींस फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे इसका आंसर। क्लियर है बच्चों यहाँ पे है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसमें ऑर्गेनिक की हम लोग मेनली बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, आई थिंक नोट डाउन कर चुके होंगे, हम आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 मेनली बच्चों हम ऑर्गेनिक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 53 में पूछा जा रहा है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-bromo-pentane इज पेंट टू इन, दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन। काफी आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी आसान पूछा गया था। इसमें क्या बोला जा रहा है बच्चों 2-bromo-pentane, यहाँ पे नोमेनक्लेचर डायरेक्टली एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, बट कई सारे क्वेश्चन में नोमेनक्लेचर का इनडायरेक्टली यूज किया गया है। जैसे कि आप देखें यहाँ पे 2-bromo-pentane, यहाँ पर भी क्या रहा है बच्चों इसमें CH3 CH BR CH2 CH2 CH3, यही क्या रहा बच्चों 2-bromo-pentane। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि फाइनली पॉइंट क्या बोला जा रहा है यहाँ पे है पेंट टू इन, यहाँ पे इसको कैसे लिखते हैं बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। यहाँ पे देखना है बच्चों ये जो फाइनली प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पे
किस रूल के, हकल्स रूल तो बच्चों किसके लिए होता है, एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए, हुंड्स रूल किसके लिए होता है बच्चे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे तुम लोग कि डीजनरेट ऑर्बिटल उसमें इलेक्ट्रॉन एक एक करके फिल करता है हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, दैट मीन्स एक एच और एक बी आर, ये सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग हो रहा होता है। सेडजेफ रूल का स्टेटमेंट क्या है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन विल बी द मेजर प्रोडक्ट या मोर स्टेबल अल्किन। ये बच्चों ये इसके रिस्पेक्ट में बी आर में अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन, तो हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से रिमूव होगा जहां से कि मोर नंबर ऑफ मोर स्टेबल अल्किन प्रोड्यूस हो सके, मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आ सके डबल बॉन्ड के अलावा। दैट मीन्स ये मोर स्टेबल अल्किन है, दैट मीन्स ये किस रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है बच्चों यहाँ पे, सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग। तो आंसर क्या आ जाता है इसका, सेकेंड। काफी आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था, और ऑर्गेनिक का क्वेश्चन तो आसान सा बच्चों आसान ही रहता है बच्चों यहाँ पे, बट बेसिक चीज को ध्यान देंगे आप, जिनके कंपाउंड्स का नेम लिखने के लिए नहीं आ रहा है तो उसके लिए मुश्किल होगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही। हॉफमैन क्या रहा था इसका उल्टा, जो कि पॉसिबल नहीं, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट जो आ रहा है सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग आ रहा था, आंसर क्या रहा था सेडजेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक इस पेज पे है ऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61। तो बच्चों मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि तुम लोगों को जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं, इसलिए मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर मेरे स्टूडेंट्स ने प्रोवाइड किया है मैं डायरेक्टली जैसे कि एज ए स्टूडेंट सॉल्व करता हूँ, मैं भी उसी तरह सॉल्व करके तुम लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे, और इतना जितना स्पेस दिया गया मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कितने स्पेस में सॉल्व करके बताऊँ तुम्हें प्रॉपर। नेक्स्ट है बच्चों, इसमें द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डायमिथाइल डेक फोर इन, काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या है, डेक फोर वन, डेक फोर इन, दैट मीन्स टू मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो बच्चों यहाँ पे 10, फोर्थ पोजिशन पे क्या हो बच्चों यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा हो, और 2 और 6 पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप आ रहा हो। यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन से चेक कर सकते हो बच्चों कि फर्स्ट ऑप्शन में चेक करते किसी भी साइड से स्टार्ट करो बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ पोजिशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, या इधर से भी चेक करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये तो हट गया बच्चों। सेकेंड ऑप्शन की बात करें इसमें हम लोग, इसमें क्या हम लोग इधर से ही नंबरिंग स्टार्ट करें, इधर सब्स्टिट्यूएंट्स भी दिख रहा है 1, 2, 3, 4 फोर्थ पोजिशन पे डबल बॉन्ड, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। यहाँ पे है टोटल 10 कार्बन का मेन चेन, फोर्थ पोजिशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 और 6 पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स इसका आंसर क्या आ जाता है यहाँ पे है सेकेंड, 2,6 डायमिथाइल डेक 4,1 इन। इन्हीं बच्चों का ये क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल करेक्ट कर रखा है इसने, तो आंसर क्या आ जाता है बच्चों यहाँ पे सेकेंड, काफी आसान सा क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग इसमें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें हम लोग इसमें, एक क्वेश्चन काफी आसान सा क्वेश्चन, डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ लास्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टेटमेंट वाइज दिया गया, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। अब यहाँ पे बच्चों जो एस्पिरिन है और पैरासीटामोल है ये क्या होता है बच्चों ये नॉन नार्कोटिक है यहाँ पे, ये क्या होता है यहाँ पे बच्चों नार्कोटिक नहीं है, ये पहला स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल नॉन नार्कोटिक ड्रग है, ये नार्कोटिक ड्रग नहीं, एडिक्टिव नहीं है, ये नॉन एडिक्टिव ड्रग होता है एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल, तो स्टेटमेंट 1 ही रॉन्ग है बच्चों। मॉर्फिन एंड हेरोइन आर नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। अब जो बच्चों मॉर्फिन एंड हेरोइन है ये नार्कोटिक ड्रग है, ये एडिक्टिव ड्रग है, ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है।
इसका जो ऑप्शन है इसमें कि बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर फॉल्स, करेक्ट आंसर जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो क्या जाता है थर्ड। डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो डायरेक्टली उसमें केमिस्ट्री ऑफ लाइफ के चैप्टर में मिल जाएगा आपको ये। ओके बच्चों लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स का पार्ट है यहाँ पे है, क्योंकि काफी आसान सा पार्ट है बच्चों। 64 क्वेश्चन नंबर 64, डायहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट कन्फॉर्मर ऑफ इथेन ई। तो अगर बच्चों आप लोगों को याद हो कि इथेन का दो ही कन्फॉर्मर्स होता है इक्लिप्स एंड में ड्रॉ करके भी बताओ यहाँ पे है, ये क्या बच्चों फ्रंट कार्बन और एक बैक कार्बन, ये एच और एक यहाँ पे बच्चों जस्ट एडजेसेंट में दिखा रहे हैं, दैट मीन्स एक दूसरे के जस्ट आगे पीछे होगा ये एच एच, ये कौन सा फॉर्म है इक्लिप्स फॉर्म। और इसी का जब 60 डिग्री एंगल से रोटेट कर दिया जाता है बच्चों यहाँ पे है, इसमें कौन सा फॉर्म आ जाएगा स्टेगर्ड एच 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 और एच इस टाइप से बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है फिर भी इससे अगर रोटेट कराया जाए 60 डिग्री एंगल से, जो डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री से और भी रोटेट कराया जाए, पूछा भी जा रहा है क्वेश्चन बच्चों डायहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ इथेन। तो जो डायहेड्रल एंगल रहता है इंटरप्लेनर एंगल इज कॉल्ड डायहेड्रल एंगल। इसमें जो एंगल आ रहा है यहाँ पे है सी वन, ये एच, इसको अगर मैं सी वन मानू फ्रंट कार्बन को, इसको सी टू एच सी वन सी टू और ये एच, इसके बीच का एंगल बच्चों यहाँ पे 60 आ गया। इसको फिर से अगर रोटेट कराया जाए 60 डिग्री से तो फिर से इक्लिप्स फॉर्म ही आएगा, दैट मीन्स इसमें दो ही फॉर्म पॉसिबल हो पाते हैं बच्चों इथेन में, इक्लिप्स एंड स्टेगर्ड। इसमें जो लीस स्टेबल है वो कौन सा फॉर्म होगा इक्लिप्स, स्टेगर्ड मोर स्टेबल होता है क्योंकि इसमें टॉर्जनल स्ट्रेन एज वेल एज वेंडर वॉल स्ट्रेन दोनों क्या हो जाता है बच्चों यहाँ पे मिनिमाइज। तो जो लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर्स है वो इक्लिप्स फॉर्म है और वो कहाँ पे आ रहा है 0 डिग्री डायहेड्रल एंगल पे। इसका आंसर क्या जाता है बच्चों यहाँ पे फर्स्ट, काफी आसान सा क्वेश्चन था कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म से। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम लोग पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। काफी आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्टली पॉलीमर से दिया गया है। अब इसमें यहाँ पे चेक करना है एडिशन पॉलीमराइजेशन कौन सा रहता है, इसमें क्लियरली दिख रहा है बच्चों जो टेफ्लॉन होता है वो क्या यहाँ पे है एडिशन पॉलीमराइजेशन, दैट मीन्स इसमें क्या होता है बच्चों यहाँ पे सी एफ एफ इस टाइप से दिखा सकते हो प्रॉपर सी एफ एफ डबल बॉन्ड आ रहा है, इसी का जब पॉलीमराइजेशन करते हैं बच्चों यहाँ पे इसी को पाई बॉन्ड को हटाते हैं और इस टाइप से कंटिन्यू रहता है यहाँ पे सी एफ एफ टेट्रा फ्लोरो इथिलीन भी बोल रहे बच्चों इसको पोली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन एफ और इस टाइप से आ रहा है, ये क्या है बच्चों एडिशन पॉलीमराइजेशन। बाकी जो डेक्रॉन नायलॉन 66 नोवोलैक ये सब किस कैटेगरी का आ जाए कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, इसका आंसर क्या होता है बच्चों सेकेंड डायरेक्टली एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें 69 द कंपाउंड विच शो मेटामेरिज्म इज, मेटामेरिज्म कौन सा कंपाउंड शो कर सकता है यहाँ पे देखना है कि मेटामेरिज्म कब शो करता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन या सल्फर के अलावा कार्बन चेन डिफर करे, यहाँ पे तो सेकंड तो शो ही नहीं कर सकता है कभी मेटामेरिज्म ऑक्सीजन ही नहीं। आगे सोचना था बच्चों यहाँ पे कि थर्ड में C3H8O आ रहा है यहाँ पे, तो मेटामेरिज्म शो करने के लिए इसमें कंडीशन क्या हो CH3CH2
ओ सी एच थ्री, अगर यहाँ पे सी थ्री एच एट ओ की बात करें और सी थ्री एच सिक्स ओ में भी बच्चों यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आना है, वो डबल बॉन्ड इस टाइप से भी हम लोग दिखा सकते हैं, सी थ्री एच सिक्स ओ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। अब देखने के बच्चों यहाँ पे ये जो कंपाउंड आ रहा है इसमें अगर ऑप्शन को हम लोग कुछ चेंज भी करें, पहले हम लोग इथर की बात कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन की, इसमें अगर कुछ भी चेंज करते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग, अगर इस इधर दो का इधर एक कार्बन इथाइल मिथाइल इथर, अगर इस दो कार्बन को इधर लाते हैं तो वो इथाइल मिथाइल इथर ही रह जाएगा, दैट मीन्स ये मेटामर्स तो नहीं कर पाएंगे। ये अगर यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ का पोजिशन चेंज करते हैं, फर्स्ट पोजिशन पे लाते हैं फर्स्ट कार्बन पे, तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा बच्चों, कीटोन से वो एल्डिहाइड बन जाएगा, दैट मीन्स ये भी नहीं हो पाएगा यहाँ पे है। तो एक ही ऑप्शन बच जाता है यहाँ पे फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन की बात करें बच्चों यहाँ पे हम लोग, इसमें क्या आ रहा है इथर आ रहा है सी फोर एच टेन ओ, अल्कोहल भी बन सकता है बट हम लोग जानते हैं कि अल्कोहल मेटामेरिज्म शो नहीं करता है, तो जो इथर होगा वही मेटामेरिज्म शो करेगा, दैट मीन्स सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ सी एच थ्री, एक ये कंपाउंड है। अब इसमें जो लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ कार्बन थ्री है उसको एक कार्बन को हम लोग राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, कंपाउंड्स का नेम डिफरेंट आ जाएगा यहाँ पे, दैट मीन्स ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का क्या रहेगा यहाँ पे मेटामर्स, ये मेटामर्स शो कर पाएगा, तो आंसर क्या आ जाता है ये तीनों शो नहीं कर पा रहा, तो मेटामर्स एक ही कंपाउंड शो कर पाएगा जो कि फर्स्ट है सी फोर एच टेन ओ। ये भी थोड़ा सा सोचना था बच्चों इसमें, बट रिलेटिवली ये भी आसान ही क्वेश्चन था, इसका आंसर कौन आ जाता है सी फोर एच टेन ओ का फर्स्ट ऑप्शन सी फोर एच टू ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे है, द आरबीसी डिफिशियंसी डिफिशियंसी डिजीज ऑफ, ये भी बच्चों बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर का पार्ट है, विटामिन एक पेज का विटामिन रहता है एनसीईआरटी में, उसी में से क्वेश्चन एक पूछा गया है कि और एक जो टेबल दे रखा है टेबल से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, द आरबीसी डिफिशियंसी डिफिशियंसी डिजीज ऑफ, इसका आंसर क्या आता है बच्चों विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन बी ट्वेल्व के कारण ही आरबीसी डिफिशियंसी हो जाता है, इसका आंसर डायरेक्टली एनसीईआरटी विटामिन वाले पार्ट में जाकर के देखेंगे, टेबल दिया है उस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बच्चों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे है, 11th के एनसीईआरटी में भी दिया गया है, द मेजर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे बच्चों एच बी आर और ये क्या है बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना है पेरोक्साइड, एच बी आर इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, क्या लिखते हैं बच्चों आर टू ओ टू, एच बी आर इन केस ऑफ पेरोक्साइड उसको क्या बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट। अब यहाँ पे जो मिक्सम होता है बच्चों थोड़ा मिक्सम को ध्यान रखना था, थ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे क्या होता है बच्चों ये थ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, थ्री रेडिकल एडिशन, तो जब भी एच बी आर इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एच बी आर भी थ्री रेडिकल में डिसोसिएट हो पाता है, इसका मैं मिक्सम की अगर प्रॉपर बात करूं जो कि आर टू ओ टू है, या फिर यहाँ पे दिया गया था पी एच सी डबल बॉन्ड ओ, पी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ पी एच, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ये जो बॉन्ड है पेरोक्साइड बॉन्ड ये ब्रेक हो जाता है नॉर्मल हीटिंग में भी, यहाँ से क्या जनरेट हो जाएगा पी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ थ्री रेडिकल। मैं डिटेल में मिक्सम में नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे चेन इनिशिएशन होता है चेन प्रोग्रेशन होता है चेन टर्मिनेशन होता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ थ्री रेडिकल एच बी आर थ्री रेडिकल में ब्रेक हो पाता है, और ये बी आर थ्री रेडिकल पहले आकर के एड हो पाता है यहाँ पे है, और जैसे ये बी आर थ्री रेडिकल आकर के एड होता है
यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा बच्चों, इस टाइप का कुछ। पी एच सॉरी, यहाँ पे जो अपना सब्सट्रेट गिवन है सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री, सी एच सी एच टू बी आर, बी आर इधर आके एड हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे फ्री रेडिकल, और यहाँ पे जो फ्री रेडिकल है ये मोर स्टेबल फ्री रेडिकल, दैट मीन्स यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो पाता है। अब क्या होगा, यहाँ पे एच बी आर का एच फ्री रेडिकल को एक्सेप्ट कर लेगा, और जैसे एच बी आर एच फ्री रेडिकल को एक्सेप्ट करता है कि एच आकर एड हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाता है बच्चों, यहाँ पे सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सेकेंड। ये पढ़ते भी होगा बच्चों यहाँ पे कि एच बी आर इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंटी मार्कोव निकोव्स रूल, दैट मीन्स एच इधर और बी आई इधर आ जाता है। इसका फाइनल आंसर क्या आ जाता है बच्चों, सेकेंड। खरास इफेक्ट है, ये भी डायरेक्टली एनसीईआरटी से दिया गया। तो एनटीए का जो ट्रेंड है, जो क्वेश्चन पूछने का पिछले दो तीन साल में डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड आता है, बट कुछ मैक्सिमम ध्यान में रखना रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें यहाँ पे जो प्योर ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में सिर्फ उसी क्वेश्चन को यहाँ पे डील कर रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 में बोला था आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। बच्चों हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, डायरेक्टली एनसीईआरटी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में डायरेक्टली दिया गया है। ये क्या रहता है बच्चों, पी एच एस डबल बॉन्ड ओ एच डबल बॉन्ड ओ सी एल पी एच एस ओ टू सी एल, इसी को क्या बोलना है हिंसबर्ग रिएजेंट। टू गिव अ सॉलिड विच डिजॉल्व इन अल्कली। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है बच्चों, ये टेस्ट किसके लिए होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट अमाइन के लिए, दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन तो हट गया बच्चों, बच गया इसमें प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी और टर्शरी। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसके साथ रिजेक्ट करने के बाद ये अल्कली में डिजॉल्व भी हो, इसका रिएक्शन अगर यहाँ पे है तो मैं इरेज करूं बच्चों यहाँ पे, इसमें क्या होता है बच्चों पी एच एच डबल बॉन्ड एच डबल बॉन्ड सी एच। अब इसका रिएक्शन अगर किसी प्राइमरी अमाइन के साथ होता है, तो प्राइमरी अमाइन के साथ जब रिएक्शन होगा तो जैसे आकर के अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ओपन होगा, रिटर्न ब्रेक आता है बच्चों, ये सी एल माइनस बाहर चला जाता है, और जो सी एल माइनस बाहर गया वही इसके एच प्लस को भी बाहर करेगा बच्चों। मैं डायरेक्टली स्टेप कर देता हूँ यहाँ पे, तो पी एच एस डबल बॉन्ड ओ एन एच आर। अभी बच्चों एन एच आर है यहाँ पे, ये जो एच होता है काफी एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि जो कंजुगेट बेस बनेगा यहाँ पे वो दोनों एच डबल बॉन्ड ओ के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है इसमें। अब यहाँ पे ये जो एच होता है तो जब प्राइमरी एमीन होगा तभी आफ्टर रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट उसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन हो पाता है, और जब एसिडिक हाइड्रोजन होता है तभी वो अल्कली में डिजॉल्व हो पाएगा, और अल्कली में डिजॉल्व हो पाएगा दैट मीन्स आंसर क्या आ जाता है बच्चों यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन, यही प्राइमरी अमाइन आ रहा है। सेकेंडरी प्रोडक्ट जरूर बनाता है बट वो अल्कली में डिजॉल्व नहीं होता है, क्योंकि उसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रहता जब सेकेंडरी अमाइन रहेगा, और टर्शरी तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, दैट मीन्स आंसर क्या आता है बच्चों यहाँ पे, फोर्थ। किस तरीके से सोचना है। नेक्स्ट है इसमें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फोर, प्राइमरी अमाइन ही हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड बना रहा है वो अल्कली में डिजॉल्व होगा बिकॉज ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। लो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसमें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 में बच्चों यहाँ पे काफी आसान सा क्वेश्चन है कि एन एच टू दिया गया है, एन ए टू एच सी एल लो टेम्परेचर पे कराते हैं, डाइजोटाइजेशन होगा एन टू प्लस सी एल माइनस, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो डाइजोनियम बना हुआ है यहाँ पे
इसमें जो ये आर है ये क्या हो, यहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज करें जो कि ये एन टू प्लस सीएल माइनस आठ जाए। तो पढ़े होगे बच्चों कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या करते हैं बच्चों वहां पे H3PO2 हाइपोफास्फोरस एसिड या फिर इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे आंसर क्या आता है बच्चों, इथाइल अल्कोहल डायरेक्टली बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का जो एक सीरीज ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं बच्चों उसमें से दिया गया यहाँ पे, इसका आंसर क्या आ जाता है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल होगा सिंपली Br जो रहेगा एजिटी रह जाएगा और N2 प्लस जो डायजोनियम है वो हट जाएगा यहाँ पे। करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट है बच्चों इसमें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही। अब बच्चों सेक्शन बी ये जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे बच्चों सेक्शन बी का है जो कि ऑप्शनल था, आउट ऑफ 15 10 क्वेश्चन करना था, उस पार्ट का हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 भी काफी आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। देखना है बच्चों यहाँ पे 96 में मैच द कॉलम बोला जा रहा है बच्चों यहाँ पे, और मैच द कॉलम में जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें बच्चों यहाँ पे COHCl NH+ AlCl। अब इसमें चारों में से दो तीन भी अगर याद होता बच्चों कर सकते थे यहाँ पे। तो COHCl NH+ AlCl3 ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों, एल्डिहाइड का डायरेक्ट NCRT गेटरमन कोच रिएक्शन। ये एक किससे मैच कर जाता है बच्चों, सेकेंड से RCOCH3 आयडो फॉर्म रिएक्शन डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते थे, हेलो फॉर्म रिएक्शन। दैट मीन्स बी किससे मैच कर जाता है बच्चों, थर्ड से RCH2 अल्कोहल और एसिड, ये क्या बनाएगा बच्चों ईस्टर, एस्टरीफिकेशन प्रोसेस। फोर्थ RCH2COH एसिड के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन है, ये कौन सा रिएक्शन होता है बच्चों, हेल्महोल्ट्ज़-जेलेंस्की रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों HBZ रिएक्शन। तो डी किससे मैच कर जाता है, फर्स्ट ऑप्शन चेक करना था बच्चों यहाँ पे कि ए किससे मैच कर रहा है सेकेंड से फर्स्ट ऑप्शन, बी किससे मैच कर रहा है थर्ड से, सी किससे मैच कर रहा है फोर्थ से, और डी फर्स्ट से। करेक्ट आंसर क्या आता बच्चों, फर्स्ट। क्लियर है बच्चों, काफी आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, इसी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन ई। अब यहाँ पे देखने बच्चों ईस्टर दिया गया है और यहाँ पे NaBH हो रहा है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये NaBH4 किसको रिड्यूस करता है बच्चों, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड क्लोराइड को, ये ईस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा NaBH4। यहाँ पे जो सी डबल बॉन्ड ओ है सिर्फ ये रिड्यूस होगा, और ये किस में रिड्यूस हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कीटोन है तो ये अल्कोहल में सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हो जाता, और जैसे सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म होगा दैट मींस आंसर क्या आ जाता है बच्चों यहाँ पे, फर्स्ट। तो ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाले चैप्टर का है बच्चों। अब इसके मैक्सिमम की बात करोगे बच्चों तो NaBH4 है सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसका नेम क्या बच्चों, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और यहाँ से क्या मिलता है H-, और यही H- आकर के अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये पाई बॉन्ड ओपन हो जाता है, और जैसे पाई बॉन्ड ओपन होगा ये एच आकर के कनेक्ट हो रहा है, पाई बॉन्ड ओपन हो रहा है तो O-, और यही O- अब इथाइल अल्कोहल से H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, दैट मीन्स ये OH फॉर्म हो जाता है। आंसर क्या आता है बच्चों यहाँ पे, फर्स्ट ही आ जाएगा इसका भी, बाकी एज इट इज रहेगा इसमें। क्लियर बच्चों यहाँ पे, इस तरीके से सोचना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में बच्चों काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना था, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ रखा होगा बच्चों, NaOH
सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्लिक एसिड है, इससे इथेन का अल्केन का प्रिपरेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, NaOH प्लस CaO के कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं, सोडा लाइन। यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चों, यहाँ पे CaO, काफी आसान सा क्वेश्चन है, सोडा लाइन डीकार्बोक्सिलेशन। NaOH प्लस CaO को ही कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, सोडा लाइन। तो आंसर क्या आता बच्चों इसका, 4। कुछ भी करने की जरूरत नहीं था, क्वेश्चन देखते ही टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग ये सेम पेज रिपीट हो गया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 100 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 100 भी डायरेक्टली एनसीईआरटी से दिया गया, एल्डिहाइड वाले, एल्डिहाइड एंड कीटोन वाले चैप्टर से। यहाँ से बच्चों देखेंगे आप, यहाँ पे द इंटरमीडिएट, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चों कि इंटरमीडिएट एक्ट इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है बच्चों, यहाँ पे है इटार्ड रिएक्शन, नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों, इटार्ड रिएक्शन। और ये जो बच्चों इटार्ड रिएक्शन आ रहा है इसमें CH3 टॉलिन, इसका रिएक्शन CrO2 Cl2 CH2 एक्स पूछा जा रहा है, इंटरमीडिएट और आफ्टर हाइड्रोलिसिस एल्डिहाइड फॉर्म होता है। उस बच्चे सिर्फ प्रोडक्ट याद रखते थे, यहाँ पे इंटरमीडिएट पूछ लिया गया है जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया भी गया, उसको याद रखना था। और एनसीईआरटी बुक में जो दे रखा उसका नेम भी है, उसमें क्या बनता है बच्चों, ये क्या क्रोमाइल क्लोराइड, तो जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्रोमाइल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स, ये क्रोमाइल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स जो आ रहा है बच्चों यहाँ पे है, इसमें जो बच्चों मैं थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे करता हूँ, इसमें बच्चों यहाँ पे इसमें जो क्रोमाइल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स है बच्चों वो किसमें आ रहा है, सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में आ रहा है, क्रोमाइल क्लोराइड, दैट मीन्स क्रोमियम भी होगा उसमें, तभी हम लोग नेम क्या देता है, क्रोमाइल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स, जो कि 1, 2, 3, 4 ऑप्शन में सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में आ रहा है यहाँ पे। तो आंसर क्या आता है बच्चों इसका, यहाँ पे सेकेंड डायरेक्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी बेस्ड, मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी से पूछा गया है, बट कुछ मैक्सिमम बेस्ड भी है जिसको कि आप लोगों को करना रहेगा ध्यान से। बट अभी जो ट्रेंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है, जब भी जो बच्चे अब इसको देख रहे हैं जिनको नेक्स्ट ईयर देना है एग्जाम, वो बच्चे एनसीईआरटी जरूर फोकस करें। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी जो क्वेश्चन उसको मैं सॉल्व करूंगा, तो उस वीडियो को भी मैं जल्दी आज ही अपलोड कर पाऊंगा। थैंक यू बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।